हेलो एवरीवन, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल प्रिया देव ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। सो आज हमारे यहाँ, कल आपने देखा था, कल क्या 6 दिन से स्टार्ट था साड़ी और नाइस अभियान। तो 6 दिन बाद फाइनली ये फाइनल हुआ और आज चूड़ी ऑर्गेनाइज अभियान स्टार्ट है। तो देखते हैं एक कब कितने दिनों में फाइनल होता है। एक बार पहले आप बैक कैमरे से देख लो मेरे रूम में कितनी सारी चूड़ियां हैं और इसको कितना दिन लग जाएगा ऑर्गेनाइज करने में, कमेंट में ज़रूर बताना। चलो देख लेते हैं। तो आज हमारे यहाँ चूड़ियों का पिटारा खुला हुआ है, आप देख सकते हो। सब ऑर्गेनाइज करनी है, कैसे कैसे रखा हुआ है। चलो मैं थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। इसमें से काफ़ी सारी नई चूड़ियाँ हैं, नए चूड़ी केस हैं, बट हालत खस्ता है। ये वाला जो चूड़ी केस है आप देख रहे हो, मेरी शादी का है। मैं इस वाले की बात कर रही हूँ। और ये कौन है? कहाँ है वो है? प्रत्युष को आप लोगों से कुछ बात करनी है। हाँ। बोलो। एक बैड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये थी, दो बैड न्यूज़ है। एक बार साइकिल का एक सपोर्टर टूट गया, उसके बाद दूसरा भी, लेकिन कल ही टूटा तो कल ही सीख गया साइकिल बिना सपोर्टर के। गुड न्यूज़ तो बता दो। बैड न्यूज़, बैड न्यूज़ में ही गुड न्यूज़ आपने शामिल कर दी। गुड न्यूज़ वही थी। कल मतलब डेली नीचे जाते हैं घूमने, कल रात में आए, कह रहे मम्मा एक बैड न्यूज़ है एक गुड न्यूज़ है, कौन सी बताऊँ? तो मैंने कहा ठीक है बताओ। कह रहे सबसे पहले मैं आपको बैड न्यूज़ बताता हूँ। कह हाँ बताओ। कह रहे मेरी साइकिल का पहले एक सपोर्टर टूटा था, अब दोनों टूट गया। कह अच्छा, तो कह रहे गुड न्यूज़ ये है कि मैं बिना सपोर्टर के साइकिल चलाना सीख गया। उसी दिन दो रंग छोटे भाई मुझे ऐसे करवा के सीख गया। तो बस यही बताना था। हाँ, यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने यहाँ पे भी चला लेता। ठीक है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आवाज़ पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। आज हम देवरानी जेठानी एक जैसे हो गए हैं, देखो। लेकिन ये कोई भी कोलाब्रेशन का नहीं है कि हमने किसी ने दिया हुआ है, हम दोनों ने पहन लिया हुआ है, हमने मंगाया हुआ था। बहुत टाइम पहले हमने सोचा था कि हम रील बनाएंगे दोनों जन, बट नहीं हो पाया। और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। हम तो नहीं जाने वाले थे, बट मेरे डॉक्टर ने बोला, मैंने उनको कॉल किया, ठीक है अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने बोला लेट के आप जाइएगा, तो हम लेट के जाएंगे। बाकी ये लोग अपना देखे कैसे कैसे बैठे कि मुझे नहीं पता है। मैं तो लेट के जाऊंगी, मेरी आगे वाली जो सीट है दीप के बगल वाली वो बुक है, ऑलरेडी बुक ही रहती है, लेकिन थोड़ा सा सीट। अरे बेटा रुक जाओ, पानी रहने दो, शाम में ही कल वापस आना है मतलब, तो क्या ज़रूरत है सब करने का। अब यहाँ देखो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और नंदन पूरे जो प्लांट्स हैं उनमें पानी, नेहा ने ही ये बोला कि ला के पानी डाल दो, जबकि शाम में पानी सब में पड़ा हुआ है। सूख जा रहे हैं यार, इतनी गर्मी है ना। इसमें तो जल छोड़ कर से। हाँ, तभी तुलसी माता जो है वो थोड़ा सा हरी भरी लग रही हैं। कैसे लग रहे हैं हम दोनों कमेंट में बताना। हम देवरानी जेठानी, अभी तो अच्छी लग रही है, मेरी तो हालत ऐसे ही है। तो अभी हम डीपी थंबनेल के लिए पिक्चर क्लिक करेंगे। अरे नंदन तो हमको भेज दे बा। चलो चलते हैं।
देख सकते हो हम लोग निकल गए। हमने सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात की जाए, बट कार में बच्चे थे और भोजपुरी सॉन्ग चल रहा था तो फिर मैंने बात नहीं किया, अदरवाइज कॉपीराइट आ जाता। सारे बच्चे इकट्ठे क्यों हैं आपको पता ही है, जून में सबका स्कूल कॉलेज बंद होता है, वीडियो जून का ही है। और अभी सोचा जुलाई बीतने वाली है, सो सॉरी क्योंकि मैंने बीच में ब्लॉग नहीं बनाया था, लेकिन हाँ आज के बाद आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। जो मैंने 3 to 4 days बिटर फेल किया था उसमें मैंने रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, तो अब आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। बस भाई रास्ते देख के आप समझ ही गए होंगे कि हम हमारे ससुराल के करीब हैं। ये देखो बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी क्योंकि काफ़ी लंबा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे लिए 2 hours ऐसे स्टे करना आपको पता ही है कि कितनी दिक्कत देता है ना। तो चलो अब घर पहुंच के फिर आप लोगों से बात करेंगे। अच्छा सच में पता चल रहा है हल्का हल्का नहीं अब वो झूठ बोलती है। झूठी है झूठी और क्या, बहुत झूठ बोलती है। झूठी कम बोल रहे हो करा करो। चलो भाई हम सभी थोड़ा सा जो है आप लोगों से बात कर लिया जाए और अपना चेहरा दिखा दिया जाए, जबकि देखने लायक बिल्कुल भी नहीं। हालत ख़राब हो गई है, रिक्शे के यहाँ से वहाँ से सब जगह से निकल गई, बाकी मेरे को तो मैंने किया नहीं था। अब जी ज़्यादा भाभी सही लगा तो भाभी चटक के लिपस्टिक लगाई का आई नहीं। चलो मिलता सब देगा। सो फ्रेंड्स जब हम गांव गए थे ना तो हमारे यहाँ खेतों में आप देख सकते हो धान की नर्सरी पड़ी हुई थी, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। वैसे छोटे छोटे थे बट फिर भी मैंने रिकॉर्ड कर लिया। और पिछले वीडियो में आप में से काफ़ी सारे लोगों ने बोला था कि आप यहाँ पर अकेले हो आपको दिक्कत होती है, आप एक काम करो अपनी डिलीवरी के लिए आप गाँव चले जाओ, वहाँ पर सारी सुख सुविधाएँ आपको मिल जाएगी। तो आपको पता ही है कि इस टाइम स्कूल चालू हो गया, कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। मेरा जो बेटा है वो भी पढ़ाई कर रहा है, बेटी भी पढ़ाई कर रही है, इतने दिन जाके गांव में स्टे करना मुझे सही नहीं लगता। और आपको ये भी पता होगा कि नहीं पता है, मेरा जो फर्स्ट बेबी है सी सेक्शन से है, तो सी सेक्शन के बाद गांव में उतनी सारी सुविधाएं नहीं हो पाएंगी। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया और स्टार्टिंग से 1 month से ही मेरी जो मेडिसिन वगैरह यहीं से है और एक ही डॉक्टर हमें देख रही हैं, तो फिर एन मौके पे ना डॉक्टर चेंज करना सही नहीं है। मैं गर्मी से मेरा हाल बेहाल हो गया। मैं जब आई थी तो भाभी ने कहा चलो ताज़ी सब्जियां लेते जाओ यहाँ से, तो वही हम लोग तोड़ने आ गए थे। आपके क्वेश्चन का हमने रिप्लाई भी दे दिया। तो हम लोग हमारी जो डिलीवरी है वो गांव में नहीं, यही लखनऊ में ही होगी और सही भी है। लखनऊ में हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है, जैसे आरती हैं वो कुकिंग कर लेती हैं, क्लीनिंग के लिए आंटी हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं और
बैकग्राउंड में टी 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 की आवाज़ भी आ रही है, तो इसीलिए मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी। तो फ्रेंड्स, मेरी पूरी फैमिली चली गई थी लखनऊ मेरे पास। देखो खेतों का क्या हाल हो गया, पूरा चारों तरफ घास घास घास। जितने कद्दू थे कद्दू सारे पक गए, लौकी सारी सूख गई और भिंडी सारी जो है मतलब भाभी भिंडी रुढ़ाई गई ना। भिंडी कोनो काम का नहीं रहेगी, बोड़ा देखा एक चूहा खा ले गए, मतलब भाई साहब पूरा तबाही मच गई। कितना दिन खातिर घर हल गया हो, 15 दिन ना? 15 दिन काम पर 11 दिन आज भाभी मतलब पापा का रहने एक पापा का मतलब 20-22 दिन, इतना दिन हो गया। हाँ भैया तो हाँ तू होता तो कहाँ दिक्कत, यही होता है 1 महीना। नंदन कह रहे हैं 1 महीना। तो पापा 2 दिन पहले चले आए थे, इसीलिए भाभी को भी आना पड़ा। पापा की तबीयत मतलब हाँ गांव जैसा मैंने बताया है आप लोगों से, पापा को बेटर फील नहीं होता है, सफोकेशन, और उनको ना एक शंका रहता है कि जो है दिमाग सिर उनका घूम रहा है, होठ सूख जा रहे हैं, इतने ऊपर हैं, और डर लगता है पापा को। धीरे बोली अच्छा कही कहा था पापा बाबा बाबा कहा था हमारा उठवा सुखाई जाए, तो पापा की नकल कर रहे थे। अरे तो कैमरा घुमाए तो पीछे बता, अरे देखा ब्लॉग काफ़ी लंबा हुई की बात, ब्लॉग एंड कर दिया जाए ना। आज हमसे सब बहुत जल्दी मिले, आई दिन बार तबियत खराब रही, और हमका दिल्ली दिल्ली फिल्म देखा, दिल्ली दिल्ली देवराज खान जो नाच थी कई जैसे पहने। तो अब करते हैं इस ब्लॉग का एंड, क्यों मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। नहीं यार एंड कही बहुत लंबा हुई की बात।